हाँ तो पप्पू मियाँ, तुम चाहते हो कि असिस्टेंट मैनेजर की जॉब तुम्हारे भाई को दिलवाऊं? साहब आप तो जानते हैं मैं आपकी कंपनी का छोटा सा मुलाजिम हूँ, झाड़ू लगाता हूँ। देखे ना जिंदगी गरीबी की मोहताज है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, छोटा भाई पढ़ा लिखा है। मैं चाहता हूँ उसको इधर ये जॉब मिल जाए तो जिंदगी के कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। पप्पू मियाँ, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सच बताऊं मैं खुद चाहता हूं कि इस जॉब के लिए तुम्हारा भाई आए, लेकिन इस जॉब की तुम्हें कीमत अदा करनी होगी, समझ रहे हो ना? कैसी कीमत साहब जी? पहले तो ये पप्पू मियाँ कि तुम जानते हो कि कोई भी नहीं चाहेगा कि एक झाड़ू लगाने वाले का भाई असिस्टेंट मैनेजर बन जाए। सही कह रहे हैं साहब जी। तो मेरी बात सुनो, किसी को खबर ना होने देना कि तुमने अपनी भाई की जॉब के लिए मुझे कहा है, समझ रहे हो? जी सर समझ रहा हूं। और दूसरा ये कि तुम 5 लाख रुपए ना टोकन मनी समझ के मुझे जमा करवा दो, अगले दिन ही ऑफर लेटर बना दूंगा तुम्हारे भाई का। ये तो बहुत बड़ी रकम है साहब जी, मैं कैसे दूंगा आपको? आप तो जानते हैं मेरा भाई पढ़ा लिखा है, पूरे शहर में अव्वल आया है, इतना काबिल है, फिर भी जॉब के लिए 5 लाख। ओ पप्पू मियाँ, कब तक जिंदगी को गरीबी का मोहताज बनाओगे? ओ कुछ बड़ा सोचो। तुम यूं समझो कि तुमने ये 5 लाख रुपए कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए हैं, और कल को तुम्हारे भाई की जॉब होगी तो तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे और तुम्हारे भाई की जिंदगी भी संवर जाएगी। साहब इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, इतने पैसों के लिए तो मुझे अपनी दोनों पैसे बेचनी पड़ेगी। ठीक है पप्पू मियाँ, तुम्हारी मर्जी। और लोग तो इस जॉब को हासिल करने के लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। तुम ऐसा करो, ठंडे दिमाग से सोच के मुझे बता देना, वो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। जी ठीक है साहब जी, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ, आप मेरे भाई की जॉब कन्फर्म कर दें। पप्पू मियाँ, इधर तुमने पैसे दिए, उधर मैंने तुम्हारे भाई का ऑफर लेटर बना देना है, बल्कि कल उसे भेज देना, मैं उसे बॉस से भी मिलवा दूंगा। ठीक है साहब जी, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। असद सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे हुक्म करते मैं आ जाता। क्या बात है असद साहब, जब से आपकी प्रमोशन हुई आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैंने वो फाइल भेजी थी, क्या बना उसका, चेक कर लिया ना सब? जी जी सर, मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले सर। इसमें तो अभी भी बहुत कुछ मिस है। वो सर ये लें से सर पैसे, पूरा 5 लाख है, गिन ले। अब मेरे भाई का ऑफर लेटर तो बना दें। ये क्या बकवास कर रहे हो, ये पैसे किस लिए हैं? अच्छा सर, भाई की जॉब के लिए 5 लाख दे रहा हूं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या समझते हो कि यहां पर रिश्वत लेकर जॉब दी जाती है? क्या हो रहा है यहाँ पे सर? ये देखें,
ये हमारी कंपनी में झाड़ू लगाता है और मुझे 5 लाख रुपए रिश्वत दे रहा है कि मेरे भाई को जॉब पे लगा लो। ये क्या कह रहे हैं आप? 5 लाख का तो आपने बोला था मुझे। बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती मुझ पे इल्जाम लगाते हुए? असद, तुमने इससे 5 लाख का मुतालबा किया था? कमाल हो गई सर। तो सर आप 1-2 टके के झाड़ू लगाने वाले की बात पे यकीन कर रहे हैं? ओ, मैं तो कहता हूँ पुलिस बुलाएं, इसको अभी के अभी यहाँ से नौकरी से फारिग करें। इसने एचआर मैनेजर पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है। मैं अभी सिक्योरिटी को फोन करता हूँ, इसको धक्के मार के निकालते हैं यहाँ से। बस करो सर, अपना लहजा देखो, कैसे बात कर रहे हो तुम अपने एम्प्लॉय से? जब से तुम्हारी प्रमोशन हुई है तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए। इंसान को इंसान ही नहीं समझते तुम। जॉब से तो मैं निकालूंगा, लेकिन वो पप्पू नहीं, कोई और होगा। सर यहां आप मेरे और इसके अलावा और है कौन? अच्छा तो आप मेरी बात कर रहे हैं? हाँ तुम्हारी ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुमने मेरी कंपनी में रिश्वत का बाजार सजा रखा है। शैतान बने बैठे हो तुम। 2 दिन पहले जो लड़की जॉब के लिए आई थी उसके साथ भी कुछ ऐसे सलूक किया था ना तुमने, और कंपनी के सब वर्कर्स मुझे शिकायत करते हैं कि तुम सबके साथ बदतमीजी से पेश आते हो, और पप्पू के किसी भाई को कोई जॉब नहीं चाहिए। तुम्हें एक्सपोज करने के लिए मैंने पप्पू के साथ मिलकर यह ड्रामा रचाया ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। तुम जैसे घटिया और बेईमान इंसान की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। तो ठीक है सर, मैं अभी के अभी रिजाइन करता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें ऑलरेडी जॉब से निकाल दिया गया है। अब जाओ, कहीं जाकर ईमानदारी से काम करो, हलाल की रोजी कमाओ। गेट लॉस्ट। तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। शुक्रिया पप्पू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। शुक्रिया किस बात का साहब जी, ये तो मेरे लिए फख्र की बात है कि एक अच्छे काम के लिए मैंने आपका साथ दिया।